bismillah ir rahman alaikum to all of you i hope you are all fine and good welcome to you all in my channel i just want to say all of you kindly like this video subscribe my channel comment in this video if you have uh, like this video okay if you want to uh, give any suggestion if you want to comment in this video on this video you have to write down in a comment section okay and also share my videos and my channel with your fellows your friends your family members okay each and everyone. okay now we have to start our today video today i just want to explain you about the this question you can you can see the question on your screen okay this is a question of real and complex number real and complex numbers okay this is a question x a by x b Whole power is x plus a plus b then x b over x c whole power is b plus c then x c over x a whole power is a plus c plus a equals to one ठीक है so first we write down left hand side ठीक है हमने इसको left hand side लेनी है और रेफ्ट हैंड साइड को लेके हमने हमें राइट साइड को प्रूव करना है सो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मैं क्या मैंशन करूँगी यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्स एक्स बी ए प्लस बी देन पुट द मल्टीप्लीकेशन साइन फिर हमने क्या लिखना है फिर हमने मेन्शन यहाँ पर करना है एक्स बी एक्स सी बी प्लस सी देन मल्टीप्लीकेशन साइन देन लिखना है एक्स सी एक्स ए एंड द फुल पावर हेयर ओके अब अपने देख लिया मैंने लिख लिया अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे आपको ये तो पता होगा जब हमारे पास कोफि कोफिशंट्स सेम होते हैं बे सॉरी बेसिस सेम होती हैं ठीक है तो आपकी जो आ, उसकी पावर्स हैं वापस में ऐड हो जाती हैं बट यहाँ पे देखिए एक जो है न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में ये आप ये कहते हैं एक मल्टीप्लीके मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है नीचे हमारे पास डिवीजन में आ रहा है ठीक है तो जो हमारे पास एक्स बी है हमने इसको भी ऊपर लेके जाना है मतलब डी को भी न्यूमिनेटर बनाना है इसके लिए हम यहाँ पर ये करेंगे एक्स ए जो एक्स ए है ना ये एक्स बी जब ऊपर जाएगा तो जाहिर जाएग सी बात है नीचे इसकी पावर पॉजिटिव है बी प्लस में है ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ठीक है ए माइनस बी और पावर इसकी क्या आ जाएगी ए प्लस बी ठीक है फिर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे अब सेम इसके साथ भी होगा यहाँ पर देखें एक्स बी तो सेम आ जाएगा लेकिन जो एक्स सी है बेसिस तो सेम है दोनों में एक्स है लेकिन सी हमारे पास नीचे पावर प्लस में ना प्लस सी ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस सी ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे पी प्लस सी अगला हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे जी एक्स सी तो ऐसे लिख देंगे क्योंकि ऊपर है नीचे हमारे पास ए है जो कि हमारे पास पॉजिटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए तो ये आ जाएगा सी प्लस ए सी प्लस ए अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ आपको ये फार्मूला तो याद होगा एज़ वी नो दैट कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस पी ठीक है ये फार्मूला तो याद है ना सबको सो so, अब हम यहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे ये यह देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी ये भी बी माइनस सी बी प्लस बी वही फॉर्म आ गई C माइनस ए सी प्लस ए वही फॉर्म आ गई ठीक है तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्कीयर माइनस बी स्कीयर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएं देन बी स्कीयर माइनस सी स्कीयर देन मल्टीप्लीकेशन का साइन और सी स्कीयर माइनस ए स्कीयर अभी जैसे मैंने आपको बताया था जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं पावर ऐड हो जाती है हो जाती ना तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स और इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बीस केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्कीयर ठीक है तो ये ए स्केयर प्लस में है ये स्कीयर माइनस में ये कट हो गया ए बी स्कीयर माइनस में है बीस केयर प्लस में है माइनस सी स्कीयर प्लस सी स्केयर मतलब सारी आपस में कट हो गई तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या बच गया जीरो एक्स की पावर जब सब कट हो गई तो ज़ीरो बच गया ना जब जीरो हो गई एक्स की पावर तो ये इक्वल्स टू वन होती है ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ गए हमारी राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमारे पास यही था ना वन हमने प्रूफ करना था यू कैन सी हेयर तो ये हमारे पास क्या होगा यू हैव टू राइट डाउन सो हिंस प्रूफ्ड मीन्स हमारे पास प्रूव हो गया क्या प्रूफ हो गया जी कि हमारे पास जो फ, ये क्वेश्चन की साइड है वो इक्व टू है राइट हैंड साइड ये अब आपने पूरा प्रोसीजर देख लिया कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं किस तरह इसकी हम सिम्प्लीफ़िकेशन कर सकते हैं ठीक है दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डे वीडियो आई होप यू हैव टू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू हैव टू प्रेस द लाइक थम ठीक है आप थम पे क्लिक कीजिए शेयर के बटन में श, uh, क्लिक करके इसको शेयर कीजिए और स्पेशली सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और अगर आप यहाँ इस वीडियो के ऊपर कोई भी कमेंट करना चाहते हैं कोई सजेशन देना चाहते हैं कोई भी आप बात शेयर करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू राइट इन अ कमेंट सेक्शन इनशाला आई विल रीड योर कमेंट्स एंड इनशा आई विल रिप्लाई यू ऑन योर कमेंट्स थैंक यू सो मच फॉर दिस आई होप कि यू आल लाइक माई वीडियोज़ क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं जो अप्रिशिएट मुझे करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं इससे अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडे थैंक यू सो मच हैव एन नाइस डे ऑल ऑफ़ यू